हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश और आप सभी का दोस्तों स्वागत करते हैं आप ही के अपने इस चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि क्या फ़ोन का हीट होना ये एक प्रॉब्लम है या फिर दोस्तों ये कॉमन प्रोसेस है, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ में और चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट भी होता है और उस समय में आपको ये लगता है कि यार मेरे फ़ोन में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं जिसकी वजह से फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कोई भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ़ोन की, तो फ़ोन जो है हमेशा प्रोसेसिंग करता है, आपके फ़ोन में जो है प्रोसेसर लगा होता है जिसके वजह से जो फ़ोन है आपका हीट होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप इसे समझ सकते हैं कि आपका फ़ोन जो है वो हीटिंग इशू है या फिर ये एक प्रोसेस में है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप कोई गेम या फिर कोई एप्लीकेशन को चलाते हैं, और ऐसा एप्लीकेशन दोस्तों जो कि काफ़ी हेवी होता है या जिससे ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय में जो है आपका फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कैमरा ऐप की, तो बहुत से कैमरा ऐप जो है फ़ोन में जब आप रन करते हो काफ़ी देर तक, जब आप वीडियो या फिर आपके पिक्चर क्लिक करते रहते हो, तो आपका फ़ोन जो है वो हीट हो जाता है, तो ये कॉमन प्रोसेस है दोस्तों। उसी के साथ में अगर आप कोई गेम खेल रहे हो और गेम खेलते समय भी अगर आपका फ़ोन जो है वो हीट होता है, तो ये भी एक प्रोसेस है दोस्तों। लेकिन अगर आपका फ़ोन जो है रखा है और वो हीट हो रहा है, तो इसका मतलब आपके फ़ोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। लेकिन ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि फ़ोन जो हीट होता है दोस्तों, एक इसके कॉमन एक प्रोसेस होती है, और उस कॉमन प्रोसेस के अंदर अगर आपका फ़ोन हीट हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। तो दोस्तों अभी अगर हम बात करते हैं तो ये समर जो है सीज़न चल रहा है, इस समय में क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर होता है बाहर का वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे जो है फ़ोन हमें हीट ज़्यादा महसूस होता है। तो ऐसे बहुत से ऐप आपको मिल जाते हैं प्ले स्टोर से, जिससे कि आप जो है यहाँ पर आपके फ़ोन का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि कितना यहाँ पर चला गया है। तो दोस्तों ये कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोसेस में नहीं है, यानी आप कोई गेम नहीं खेल रहे हो या फिर कोई कैमरा यूज़ नहीं कर रहे या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहे हो और आपका फ़ोन रखा है और उस समय में आपका फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई ना कोई ज़रूर यहाँ पर प्रॉब्लम जो है आपके फ़ोन में आ चुका है या फिर कोई ऐसी प्रोसेस हो रही है जिससे कि आपका फ़ोन जो है वो हीट हो रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है और इस सारी चीज़ों से आप समझ सकते हो कि आपके फ़ोन में हीटिंग इश्यूज़ है या फिर ये एक प्रोसेस में चल रहा है। और दोस्तों बहुत सी ऐसी जानकारी है, मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं लेना चाहता हूँ और आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे और डिटेल्स आपको मैं यहाँ पर शेयर करूँगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि क्या प्रोसेस है और क्या यहाँ पर जो है ये एक इशू है। दोस्तों अगर ऐसा कभी भी लगता है आपको कि फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, अननेसेसरी हीट हो रहा है, तो आप तुरंत जो है सर्विस सेंटर पर जाकर एक बार चेक ज़रूर करवा लें, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको भी और आपके फ़ोन को भी पहुँचा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर साइड में जो बेल आइकन है उसे आप जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाले नए नए ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे।